हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज का हमारा टॉपिक है रिसाइकल बिन। तो दोस्तों, रिसाइकल बिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जो डिलीट की हुई फाइलों को कंटेन करता है। दोस्तों, आपका कंप्यूटर है और आपका कंप्यूटर आपने यूज़ करके कोई और यूज़ कर रहा हो, और कोई आपकी इंपॉर्टेंट फाइल हो जो उससे गलती से डिलीट हो जाए, तो वो जो फाइल है वो पूरी तरीके से डिलीट ना होके उसका जो एक लिंक है वो जाके रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है, जहाँ से आप उसे दोबारा रिकवर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक फाइल है ये अमित चौहान के नाम से। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके कर देता हूँ डिलीट। कर दिया, यस। अब जब मैं रिसाइकल बिन में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अमित चौहान की जो फाइल है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो क्योंकि ये फाइल अब हमें वापस चाहिए तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कह रहा है कि ये जो फाइल है वो इतनी तारीख को इतने बजे डिलीट हो गई थी। तो अगर ये आपको वापस चाहिए तो आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है। तो हम रिस्टोर पे क्लिक कर देते हैं और करते हैं ओके। और अब आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पे ये अमित चौहान की जो फाइल है ये वापस आ गई है। इसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि रिसाइकल बिन का आइकन चेंज कैसे करें। दोस्तों, अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो रिसाइकल बिन का जो आइकन है वो एक डस्टबिन की तरह दिख रहा है। अब अगर इस आइकन को हम चेंज करना चाहें या थोड़ा सा अलग इसको हम देखना चाहें तो कैसे करें, तो इसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है शो और हाइड कॉमन आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, और इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको जो भी आइकन है मीन्स रिसाइकल बिन का हमें आइकन चेंज करना है, तो रिसाइकल बिन को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप नीचे आइए यहाँ पे चेंज आइकन पे, और कोई सा भी दूसरा आइकन जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और कर दीजिए ओके। यहाँ से कीजिए अप्लाई और कीजिए ओके। और अब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे रिसाइकल बिन का जो आइकन है वो चेंज हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखें कि रिसाइकल बिन को खाली करना। मीन्स क्या है कि आपने फाइल डिलीट कर दी। जैसे अभी हमने सीखा कि जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं उसका एक लिंक रिसाइकल बिन में चला जाता है। अब आप ये चाह रहे हैं कि वो फाइल रिसाइकल बिन में भी मतलब चली गई है तो उसे हम परमानेंटली डिलीट कर दें, तो उसे रिसाइकल बिन से भी हम हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी फाइलें हैं आपकी जो ये रिसाइकल बिन में दिख रहा है, इन सबको ही अगर आप डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो आप यहाँ पे आके एम्प्टी द रिसाइकल बिन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। और मैंने यहाँ से कर दिया यस। अब ये परमानेंटली यहाँ से डिलीट हो गई है। इसके बाद दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन है कि रिसाइकल बिन का जो आइकन है डेस्कटॉप पे हाइड या अनहाइड कैसे करें। मीन्स दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि जो रिसाइकल बिन का ये आइकन आप यहाँ देख रहे हैं ये बाई डिफॉल्ट गायब हो जाता है या स्क्रीन पे अपीयर नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन में आप इसे कैसे ला पाएं या फिर अगर आप खुद इसे गायब करना चाहें तो कैसे कर सकें, चलिए करके देखते हैं। तो इसके लिए आप स्टार्ट बटन पे जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए शो और हाइड कॉमन आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। इस पे जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन शो करे डेस्कटॉप पे तो आप इस पे सिलेक्शन अप्लाई कर दीजिए, और अगर आप इसे वहां से गायब करना चाहते हैं तो सिलेक्शन हटा दीजिए और कर दीजिए ओके। और आइए वापस, और अब आप यहाँ पे देखेंगे कि रिसाइकल बिन यहाँ से गायब हो चुका है। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे के वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।